फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मेरी मम्मी खाना बना रही है, अभी रात का खाना। तो मम्मी ने दाल उबाल के रखा है, तो अभी दाल को मतलब तड़का लगाएंगे। फिर ये छोटा वाला जो आलू है इसका फ्राई करेगा, और ये सब पेस्ट बना के रखा है, टोमेटो पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज भी काट के रखा है, अंडा उबालने के लिए दे दिया है। बस इसका हम लोग करी बनाएंगे, तो अभी देखते हैं कैसे दाल तड़का लगाते हैं मम्मी। चलिए आप लोग भी देखिए मेरे साथ। तो पहले तेल में थोड़ा सा जो ड्राई चिली होता है वो दे दिया, उसके बाद प्याज दे दिया। अभी जब थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, हम लोग, इसका मतलब थोड़ा सा स्मेल निकलने के लिए। इसके बाद ये दाल जो है इधर में हम लोग हल्दी डाल दिया, फिर अभी नमक डाल दिया। फिर इसको अच्छे से मिला लेंगे, मिला के अभी इसमें डालने वाले हैं। तो ये हल्का हल्का हो चुका है, थोड़ा सा बाकी है। आज हम लोग का सिंपल डिनर है, कुछ चिकन विकन नहीं है, सिर्फ अंडा ही बनाएंगे, क्योंकि हमेशा चिकन खाना अच्छा भी नहीं लगता। लगातार बहुत दिनों से चिकन खा ही जा रहे हैं हम लोग, तो कल भी तो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा शायद मेरा वीडियो। तो अभी हम लोग दाल डालने जा रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा दूर में आती हूँ, मुझे इसका छींटे नहीं तो कैमरे में गिर जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा दाल हो रहा है, बस थोड़ा टाइम लगेगा इसको उबालने में, इसको होने में। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा दाल हो रहा है, बस उबल रहा है। देखिए कैसा कैसा अच्छा अच्छा बबल निकल रहा है, देख रही है ना। मैंने यहाँ पे डिश आउट करने के लिए एक बाउल लेके आई हूँ, इसमें हम लोग डिश आउट कर लेंगे इस दाल को। बस अच्छे से पक चुका है अभी। अभी ये चावल धो के रख दिया है, यहाँ पे चावल है, चावल हम लोग रात को ज़्यादा नहीं खाते, थोड़ा सा ही खाते हैं। मम्मी बनाने जा रही है एक करी, तो यहाँ पे ये टमाटर का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये अंडा उबाल के रख दिया है। एक अंडा तो ख़राब हो गया है, पता नहीं क्या हो गया आज इसको। और ये थोड़ा सा प्याज काट के रखा है, तो अभी तेल गर्म हो रहा है, देख सकते हैं। मैंने तेल में अंडा को दे दिया है, इसको फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा, हल्का सा रेड रेड होकर, तब मतलब करी अच्छा होता है खाने में भी और टेस्ट में भी बहुत सुंदर लगता है खाने में। तो इसको हल्का सा सॉटे कर लेंगे, ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे, हल्का फुल्का रेड हो जाएगा, फिर उतार के रख देंगे। हो चुका है, तो अभी तेल में मम्मी ने ज़ीरा डाल दिया है, एक कश्मीरी लाल मिर्च, और साथ ही साथ जो कटा हुआ प्याज था वो भी डाल दिया है इसमें। मैं ज़्यादा पास नहीं जा रही हूँ, इसलिए अब इसको धीरे धीरे करके हिलाते रहेंगे थोड़े टाइम तक, जब तक प्याज का रॉ स्मेल नया चले जाए, तब तक हम लोग थोड़ा सा हल्का फुल्का सा हिलाते रहेंगे ऐसे। अभी हम लोग यहाँ पे डालने वाले हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, जो हम लोग ने पहले तैयार करके रख दिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, अब इसको अच्छे से मिला लेंगे हम लोग। प्याज जल्दी पक जाता है, लेकिन अदरक लहसुन का जो स्मेल होता है वो जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये हम लोग थोड़ा सा नमक डाल के पकाने वाले हैं, तो जल्दी उसका स्मेल भी चला जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी मम्मी बना रही है इसे, और वहाँ पे गैस में हम लोग ने चावल भी दे दिया है प्रेशर पे, वो जल्दी से हो जाएगा। अभी करी होने के बाद सिर्फ जो स्मॉल पोटैटो है वो फ्राई करने के लिए बाकी रहेगा। मेरा प्याज और लहसुन का पेस्ट हो चुका है, गैस को मैंने मीडियम लो में रख दिया है। अभी हम लोग यहाँ पे डालने वाले मसाले, रेड चिली पाउडर डाल दिया हम लोगों ने, उसके बाद डालने वाले हैं हल्दी, ज़्यादा नहीं, पिंच ऑफ हल्दी, और धनिया पाउडर, फिर डालने वाले जीरा पाउडर। बस इसे हम लोग मिला लेंगे ऐसे अच्छे से, मिला लेंगे, मीडियम लो में है गैस, अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम लोग डाल देंगे जो हम लोगों ने तैयार करके रखा है पहले से, टमाटर का पेस्ट, तो इसे हम लोग अभी अच्छे से मिला लेंगे, ऐसे अच्छे से मिला लेंगे। अभी हम लोग इसे 5 मिनट
के लिए दम पे लगा देंगे इसका, जब तक रॉ स्मेल चला ना जाए, और गैस को हम लोग मीडियम लो में रखें। यहाँ पे ग्रीन चिली भी काट के डाल दिया है, इसका अभी तेल थोड़ा ऊज आउट होने लग गया है, अभी और थोड़ा सा पकना बाकी है, बस ये पक जाए उसके बाद हम लोग यहाँ पे अंडा डाल देंगे। एक कढ़ाई और यहाँ पे दे दिया है हीट में, यहाँ पे हम लोग छोटे आलू फ्राई करने वाले, इसके लिए मैंने प्याज और चिली काट के रख दिया। अभी तक हम लोग का अंडा का जो मतलब मसाला है उसका तेल आना शुरू हो गया है, बस अभी अंडा देने का टाइम नहीं हुआ है, अभी भी थोड़ा बाकी है। यहाँ पे गर्म पानी डाल दिया है करी में और अंडा भी डाल दिया है, बस अभी इसको उबालने के लिए रख दूंगी। यहाँ पे मैं ढक्कन लगा रही हूँ अभी, और यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है, अभी हम लोग यहाँ पे प्याज और चिली डाल देंगे आलू फ्राई करने के लिए। अभी थोड़ा सा मिला देंगे इसको, थोड़ा सा पक जाने देंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा हल्का सा। ये मैंने पहले से आलू तैयार करके रखा है, काट के रखा है, ये छोटे आलू है, छोटे आलू जो बाज़ार में अवेलेबल होता है, आप लोग भी कभी ट्राई कर सकते हैं घर में, बहुत अच्छा होता है, टेस्टी भी होता है खाने में। अभी हम लोग यहाँ पे आलू डाल देंगे, इसको बहुत तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ऐसे भी फ्राई करके से भी खा सकते हैं और इसको बॉईल करके भी बना सकते हैं सब्जी टाइप। तो अभी हम इसको मिला देंगे। अब यहाँ पे हल्दी और नमक डालेंगे, ये हल्दी चला गया है यहाँ पे, अभी फिर नमक चला जाएगा, नमक इसको मिला देंगे अच्छे से। और हाँ, गैस को अभी हाई रखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब हम लोग इसको ढक देंगे तभी मीडियम लो कर देंगे। अब ये पूरा अच्छे से मिल गया है, इसको हम लोग ढक देंगे और गैस को स्लो कर देंगे। मेरा अंदर का रिवर्स हो ही चुका है, अभी हम लोग इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है अगर कसूरी मेथी डाले तो। और ये हम लोग डाल रहे हैं कसूरी मेथी, और इसमें अभी डाल देंगे थोड़ा, मिला लेंगे, फिर डाल देंगे गरम मसाला। गरम मसाला देने से और अच्छा लगता है खाने में, कसूरी मेथी इसका फ्लेवर देता है और गरम मसाला इसका टेस्ट देता है बस। गरम मसाला थोड़ा ही डालिए, ज़्यादा मत डालिए, नहीं तो ज़्यादा डालने से भी अच्छा नहीं लगता खाने में। इसे मिला दीजिए, बस मेरा अंडा करी हो चुका है अभी। तो जो मैंने यहाँ पे छोटे आलू को फ्राई किया था, बस वो भी हो चुका है अभी, बीच बीच में मैंने थोड़ा हिला दिया था इसको, नहीं तो ये चिपक जाता है। तो ये मेरा आलू थोड़ा पकना बाकी है अभी। खाना हो चुका है, ये छोटे आलू का फ्राई आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, ये अंडा करी, ये दाल और ये चावल हो चुका है, बस हम लोग अभी खाने वाले हैं। तो अगर फ्रेंड्स आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का दबाना मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मेरी मम्मी खाना बना रही है अभी रात का खाना, तो मम्मी ने दाल उबाल के रखा है, तो अभी दाल को मतलब तड़का लगाएंगे, फिर ये छोटा वाला जो आलू है इसका फ्राई करेगा, और ये सब पेस्ट बना के रखा है, टोमेटो पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज भी काट के रखा है, अंडा उबालने के लिए दे दिया है, बस इसका हम लोग करी बनाएंगे। तो अभी देखते हैं कैसे दाल तड़का लगाते हैं मम्मी, चलिए आप लोग भी देखिए मेरे साथ। तो पहले तेल में थोड़ा सा जो ड्राई चिली होता है वो दे दिया, उसके बाद प्याज दे दिया, अभी जब थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे हम लोग, इसका मतलब थोड़ा सा स्मेल निकलने के लिए। इसके बाद ये दाल जो है इधर में हम लोग हल्दी डाल दिया, फिर अभी नमक डाल दिया, फिर इसको अच्छे से मिला लेंगे, मिला के अभी इसमें डालने वाले हैं। तो ये हल्का हल्का हो चुका है,
थोड़ा सा बाकी है। आज हम लोग का सिंपल डिनर है, कुछ चिकन विकन नहीं है, सिर्फ अंडा ही बनाएंगे, क्योंकि हमेशा चिकन खाना अच्छा भी नहीं लगता। लगातार बहुत दिनों से चिकन खा ही जा रहे हैं हम लोग, तो कल भी तो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा शायद मेरा वीडियो। तो अभी हम लोग दाल डालने जा रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा दूर में आती हूँ, मुझे इसका छींटे नहीं तो कैमरे में गिर जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा दाल हो रहा है, बस थोड़ा टाइम लगेगा इसको उबालने में, इसको होने में। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा दाल हो रहा है, बस उबल रहा है, देखिए कैसा कैसा अच्छा अच्छा बबल निकल रहा है, देख रही है ना। मैंने यहाँ पे डिश आउट करने के लिए एक बाउल लेके आई हूँ, इसमें हम लोग डिश आउट कर लेंगे इस दाल को। बस अच्छे से पक चुका है अभी, अभी ये चावल धो के रख दिया है, यहाँ पे चावल है, चावल तो चावल हम लोग रात को ज़्यादा नहीं खाते, थोड़ा सा ही खाते हैं। मम्मी बनाने जा रही है एक करी, तो यहाँ पे ये टमाटर का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये अंडा उबाल के रख दिया है, एक अंडा तो ख़राब हो गया है, पता नहीं क्या हो गया आज इसको, और ये थोड़ा सा प्याज काट के रखा है। तो अभी तेल गर्म हो रहा है, देख सकते हैं मैंने तेल में अंडा को दे दिया है, इसको फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा, हल्का सा रेड रेड होकर, तब मतलब करी अच्छा होता है खाने में भी और टेस्ट में भी बहुत सुंदर लगता है खाने में। तो इसको हल्का सा सॉटे कर लेंगे, ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे, हल्का फुल्का रेड हो जाएगा फिर उतार के रख देंगे। फ्राई हो चुका है, तो अभी तेल में मम्मी ने ज़ीरा डाल दिया है, एक कश्मीरी लाल मिर्च, और साथ ही साथ जो कटा हुआ प्याज था वो भी डाल दिया है उसमें। मैं ज़्यादा पास नहीं जा रही हूँ, इसलिए अब इसको धीरे धीरे करके हिलाते रहेंगे थोड़े टाइम तक, जब तक प्याज का रॉ स्मेल ना चले जाए, तब तक हम लोग थोड़ा सा हल्का फुल्का सा हिलाते रहेंगे ऐसे। अभी हम लोग यहाँ पे डालने वाले हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, जो हम लोग ने पहले तैयार करके रख दिया था, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, अब इसको अच्छे से मिला लेंगे हम लोग। प्याज जल्दी पक जाता है, लेकिन अदरक लहसुन का जो स्मेल होता है वो जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये हम लोग थोड़ा सा नमक डाल के पकाने वाले हैं, तो जल्दी उसका स्मेल भी चला जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी मम्मी बना रही है इसे, और वहाँ पे गैस में हम लोग ने चावल भी दे दिया है प्रेशर पे, वो जल्दी से हो जाएगा। अभी करी होने के बाद सिर्फ जो स्मॉल पोटैटो है वो फ्राई करने के लिए बाकी रहेगा। मेरा प्याज और लहसुन का पेस्ट हो चुका है, गैस को मैंने मीडियम लो में रख दिया है। अभी हम लोग यहाँ पे डालने वाले मसाले, रेड चिली पाउडर डाल दिया हम लोगों ने, उसके बाद डालने वाले हैं हल्दी, ज़्यादा नहीं पिंच ऑफ हल्दी, और धनिया पाउडर, फिर डालने वाले हैं जीरा पाउडर, बस इसे हम लोग मिला लेंगे ऐसे अच्छे से, अच्छे से मिला लेंगे, मीडियम लो में है गैस, अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम लोग डाल देंगे जो हम लोगों ने तैयार करके रखा है पहले से, टमाटर का पेस्ट, तो इसे हम लोग अभी अच्छे से मिला लेंगे, ऐसे अच्छे से मिला लेंगे। अभी हम लोग इसे 5 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे इसका, जब तक रॉ स्मेल चला ना जाए, और गैस को हम लोग मीडियम लो में रखें। यहाँ पे ग्रीन चिली भी काट के डाल दिया है, इसका अभी तेल थोड़ा ऊजा होने लग गया है, अभी और थोड़ा सा पकना बाकी है, बस ये पक जाए उसके बाद हम लोग यहाँ पे अंडा डाल देंगे। एक कढ़ाई और यहाँ पे दे दिया है हीट में, यहाँ पे हम लोग छोटे आलू फ्राई करने वाले, इसके लिए मैंने प्याज और चिली काट के रख दिया। अभी तक हम लोग का अंडा का जो मतलब मसाला है उसका तेल आना शुरू हो गया है, बस अभी अंडा देने का टाइम नहीं हुआ है, अभी भी थोड़ा बाकी है। यहाँ पे गर्म पानी डाल दिया है करी में, और अंडा भी डाल दिया है, बस अभी इसको उबालने के लिए रख दूँगी, यहाँ पे मैं ढक्कन लगा रही हूँ अभी। और यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है, अभी हम लोग यहाँ पे प्याज और चिली डाल देंगे आलू फ्राई करने के लिए, अभी थोड़ा सा मिला देंगे इसको,
थोड़ा सा पक जाने देंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा हल्का सा। ये मैंने पहले से आलू तैयार करके रखा है, काट के रखा है। ये छोटे आलू है, छोटे आलू जो बाज़ार में अवेलेबल होता है, आप लोग भी कभी ट्राई कर सकते हैं घर में, बहुत अच्छा होता है, टेस्टी भी होता है खाने में। अभी हम लोग यहाँ पे आलू डाल देंगे। इसको बहुत तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ऐसे भी फ्राई करके से भी खा सकते हैं और इसको बॉईल करके भी बना सकते हैं सब्जी टाइप। तो अभी हम इसको मिला देंगे। अब यहाँ पे हल्दी और नमक डालेंगे। ये हल्दी चला गया है यहाँ पे, अभी फिर नमक चला जाएगा। नमक इसको मिला देंगे अच्छे से। और हाँ, गैस को अभी हाई रखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब हम लोग इसको ढक देंगे तभी मीडियम लो कर देंगे। अब ये पूरा अच्छे से मिल गया है, इसको हम लोग ढक देंगे और गैस को स्लो कर देंगे। मेरा अंदर करी बस हो ही चुका है, अभी हम लोग इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा था अगर कसूरी मेथी डाले तो। और ये हम लोग डाल रहे हैं कसूरी मेथी, और इसमें अभी डाल देंगे थोड़ा, मिला लेंगे, फिर डाल देंगे गरम मसाला। गरम मसाला देने से और अच्छा लगता है खाने में, कसूरी मेथी इसका फ्लेवर देता है और गरम मसाला इसका टेस्ट देता है बस। गरम मसाला थोड़ा ही डालिए, ज़्यादा मत डालिए, नहीं तो ज़्यादा डालने से भी अच्छा नहीं लगता खाने में। इसे मिला दीजिए। बस मेरा अंडा करी हो चुका है अभी। तो जो मैंने यहाँ पे छोटे आलू को फ्राई किया था बस वो भी हो चुका है अभी। बीच बीच में मैंने थोड़ा हिला दिया था इसको, नहीं तो ये चिपक जाता है। तो ये मेरा आलू थोड़ा पकना बाकी है अभी। खाना हो चुका है, ये छोटे आलू का फ्राई आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। ये अंडा करी, ये दाल और ये चावल हो चुका है, बस हम लोग अभी खाने वाले हैं। तो अगर फ्रेंड्स आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का दबाना मत भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय।